यूपी के जनपद कानपुर देहात रूरा क्षेत्र में पहुंचे बीजेपी नेता व किसान मोर्चा मंडल के अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए तिलक समारोह में लोगों से कार्यक्रम के दौरान अपील की कि दहेज लेना व देना दोनों ही जघन्य अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों को बिना दहेज दिए ही शादी करनी चाहिए और कहा कि वे जो भी शादी समारोह में जाते हैं इसी तरह से लोगों से अपील करते हैं कि कोई भी व्यक्ति शादी में दहेज न ले और साथ ही बताया कि उन्हें यह प्रेरणा देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिली है कि वे अनेकों कार्यक्रम ऐसे चला रहे हैं जिसमें वे खुद देशवासियों से अपील करते हैं कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है व इसी तरीके से लोगों से जिस कार्यक्रम में जाते हैं इसी तरह लोगों को जागरूक किया कर। भैया क्या नाम है? रंजीत तिवारी। रंजीत तिवारी जी आपका क्या पद है? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष लखनऊ। क्या मांगते हैं आज कार्यक्रम में आए थे, क्या मैसेज दिया? आज के कार्यक्रम में हमारे खांजे का कार्यक्रम है और अब सुंदर कार्यक्रम हुआ है। क्या मैसेज दिया लोगों को? मैसेज लोगों को यही दिया है कि जो दहेज की प्रेरणा होती है वो कभी माँ बाप को नहीं मांगनी चाहिए। बेटी का जो कन्यादान होता है उसको सही रूप से सुचारू रूप से करना चाहिए, कन्या गरीब की हो या अमीर की। दहेज बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए और दहेज संवैधानिक तरीके से गलत व्यवस्था है। और अच्छा, किन से प्रेरणा लेते हुए आप ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को? मैं हमारी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से ये मैं अपनी बात समाज में कह रहा हूँ और सबके साथ मिलकर मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ पूरे भारत देश में। क्या इसी तरह सभी कार्यक्रमों में आप करते हैं? इसी तरीके से जिस कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ वहाँ पर यही अपनी वाणी का उच्चारण रखता हूँ।